नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में। दोस्तों आज है 28 मार्च। 28 मार्च की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो है बेसिक शिक्षा को लेकर के। दिया गया पद सृजन घटा, प्रमोशन के मौके कम। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जूनियर स्कूलों की यहाँ पर बात हो रही है, जितने भी जूनियर स्कूल हैं उन सभी में पद कम सृजित हैं। लगभग 14 से 15 हज़ार पद कम सृजित हैं, यानी 14 हज़ार पद कम होने के कारण जो शिक्षकों का प्रमोशन होता है उसमें समस्याएं आएंगी, क्योंकि प्राइमरी से प्रमोशन होकर के जूनियर में शिक्षक जाते हैं और जब पद ही नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर शिक्षक कैसे जाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट भर्ती भी आती है जूनियर में, जैसे पिछली आई थी 2013 में, आई थिंक आई थी 29,334 पदों के सापेक्ष। तो पद कम होने के कारण अब यहाँ पर दोस्तों प्रमोशन के मौके कम हो गए। बात क्या है असल में वो समझ लीजिए आप लोग। सरकार का कहना है कि एक अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुसार 100 बच्चों तक 3 शिक्षक अनिवार्य हैं, और अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो एक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य का भी पद वहाँ पर होना चाहिए। वर्तमान में 35 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है, ठीक है। तो ये एक मानक है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है। 135 बच्चों तक इस समय 3 मात्र अध्यापक के ही पद सृजित हैं, इस वजह से ये पद कम हुए हैं। अगली न्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को अप्रैल 2021 से प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नई शिक्षा नीति में राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी स्कूल संचालित करने का प्रावधान है। अभी तक दोस्तों आप लोग जानते हैं 1 से 5 तक प्रसदीय विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय थे और कक्षा और इनमें पढ़ाई होती थी, लेकिन अब आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की भी कक्षाएं चलेंगी, ठीक है। यहां पर अपडेट है दोस्तों शिक्षा मित्रों को लेकर के। दिया गया पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। प्रधानमंत्री की ओर से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयास व गरीबों के लिए घोषित पैकेज की शिक्षा मित्रों ने सराहना की है। साथ ही शिक्षा मित्रों ने भी एक दिन का मानदेय सहायता कोष में देने का ऐलान किया है। तो शिक्षा मित्र भी दोस्तों एक दिन का अपना जो मानदेय मिलता है वो राहत कोष में दान देंगे। इस तरह शिक्षा मित्रों ने भी जलाया सहायता का दिया। इसी तरीके से दोस्तों जो माध्यमिक स्कूल हैं वो उनके शिक्षक अपने अपने वेतन का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का वादा किया है। यहाँ पर दिया कि एक दिन का वेतन लेने का अनुरोध। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के लोगों को इस महामारी से बचाने के उपायों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए शिक्षकों को एक दिन का वेतन देने का काटने का मुख्यमंत्री आपदा कोष में देने का निर्णय लिया है, ठीक है। प्रदेश के महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा को शुक्रवार को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी शिक्षकों के एक दिन के वेतन की धनराशि मुख्यमंत्री आपदा कोष में जमा करने का प्रबंध करने को कहा। तो जितने भी माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं, चाहे वो TGT के हों चाहे PGT के हों, ये भी अपने एक एक दिन का वेतन देंगे। और इसी को चलते एक न्यूज और है, जितने भी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के, जितने भी शिक्षक हैं, इन सभी को मार्च का वेतन अप्रैल में देने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के समस्त बजट अनुदानों से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही बजट आवंटन की प्रत्याशा में कर्मचारियों को मार्च का जो वेतन है उसका भुगतान अप्रैल में करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो मार्च का जो वेतन है वो अप्रैल में आएगा, मार्च में फिलहाल नहीं आएगा। अगली न्यूज की बात कर लेते तो यहाँ पर अपडेट है UP SSSC को लेकर के। UP SSSC वीडियो का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था 3 अप्रैल से 2 जून तक इसकी प्रक्रिया चलनी थी, फिलहाल वो प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई। यहाँ पर दिया गया है UP SSSC ने ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो, समाज कल्याण पर्यवेक्षक,
भर्ती 2018 के अंतर्गत अभिलेख परीक्षण सत्यापन से संबंधित कार्रवाई अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 2 जून तक था, वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो नई डेट आएगी उसके बारे में फिर आपको सूचित किया जाएगा। इसी तरह की एक न्यूज और है, नीट और जेईई मेंस मई के अंतिम सप्ताह तक स्थगित। दोस्तों कोरोना संकट के बीच संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा यानी नीट को अब मई के अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA नई तारीखें जल्द घोषित करेगी। नीट 3 मई तो जेईई की परीक्षा 5 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलनी थी। ये दोनों परीक्षाएं दोस्तों फिलहाल टाल दी गई हैं, नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं। अगले न्यूज की बात करते हैं तो कोरोना को लेकर के अपडेट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल 11 टीमें बनाई हैं और इसमें सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि लॉकडाउन तक जहां हैं वहीं रुके रहने की अपील की है उन्होंने। इससे प्रदेश के जो निवासी हैं वो अलग अलग राज्यों में जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वो भाग करके उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। स्थितियां बहुत विकट हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस स्टेट में हैं, जैसी स्थिति में है वहीं पर रहें। आपके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो अन्य राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से वार्ता की है कि आप लोग हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था करें। इसके लिए जो भी बजट आएगा, जो भी खर्च होगा, वो उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए तैयार है। ठीक है, सभी से पलायन ना करने की अपील की गई है। और इसके लिए जितने भी स्कूल हैं, जितने भी होटल हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके वहाँ पर रहने के लिए शेल्टर हाउस टाइप बनाए गए, वहाँ पर रहने खाने पीने भोजन स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। सरकार चाह रही कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आदमी है वो भूख से नहीं मरना चाहिए। कोरोना महामारी को देखते हुए इस तरह से बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए RBI ने भी बड़ी राहत दी है। जितने भी प्रकार की लोन थे आपके, सभी लोन को सस्ता किया गया है। रेपो रेट में 11 साल में सबसे बड़ी कटौती की गई है। रेपो रेट में 0.7% की कमी करते हुए 4.40 कर दी गई है और रिवर्स रेपो दर भी 4% किया गया है। ठीक है, वहीं पर जितने भी प्रकार के लोन हैं, चाहे होम लोन हो या कोई भी लोन हो, सभी में बड़ी राहत दी गई है। 3 महीने तक EMI टाली गई है, आपको 3 महीने तक कोई भी किस्त नहीं देना है। लेकिन ये मत समझिएगा कि सरकार ने कह दिया तो आपकी लोन की जो EMI है वो नहीं कटेगी। इसके लिए आपको बैंक के पास जाना होगा, बैंक से फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है, हालांकि अगर आपके खाते में पैसे हैं तो बैंकें काट लेंगी। इसके लिए आपको बैंक में जा करके वहाँ पर बात करनी होगी। इसके लिए बहुत ही जो मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर दी गई, इनको चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो सभी सूचनाएं हैं, जो जितने भी न्यूज़पेपर है, हमारे हेलो ऐप पर अवेलेबल हैं। हेलो ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो ABTECH सर्च करेंगे तो वहाँ आप इन हमारे प्रोफाइल पेज मिल जाएगा, वहाँ पर सभी ये सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। या आपका न्यूज जो आज का है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों UP जो गवर्नमेंट है उसने जितने भी किसान हैं उनको एक राहत देते हुए ये कहा है कि जितने भी मेडिकल हैं, खासकर जो बीज आपूर्ति करते हैं किसानों के लिए, कीटनाशी हैं, जो कीटनाशक जो बेचते हैं, ठीक है, इन कामों को करने वालों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इनकी दुकानें फुटकर और थोक दोनों तरीके पूर्व की बात ही खुलेंगी। ठीक है, जैसे उर्वरक हो गया, बीज हो गया, कृषि रक्षा रसायन हो गया, ये जितने भी विक्री केंद्र पूर्व की बात ही खुलेंगे। ठीक है, इसी तरह रबी की फसलों की कटाई में होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त श्रमिक
इनको भी कोई दिक्कत नहीं, अपना जैसे काम करते रहें वैसे भी करते रहेंगे। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर कृषि नहीं, काम नहीं होगा तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके का डेली मॉर्निंग अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।